अमेरिका के प्रेसिडेंट जब हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। जो बाइडेन का खास प्लेन एयरफोर्स वन लैंड होगा, प्लेन का दरवाजा खुलेगा और मुस्कुराते, हाथ हिलाते, कुछ ऐसे ही डग भरते बाइडेन प्लेन की सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। उनके साथ साथ सुरक्षा में तैनात वो स्पेशल शख्स भी रहेगा जिसके पास मौजूद बैग अमेरिका को सुपर पावर बनाता है। एक ऐसा बैग जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सर्वशक्तिमान बनाता है। काले रंग के लेदर के इस बैग में आखिर ऐसा क्या है जिसे दुनिया कयामत का कोडवर्ड कहती है? साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और दिन के 2400 घंटे ये बैग प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ क्यों रहता है? क्या सच में इस बैग में अमेरिका के सभी परमाणु बमों का बटन रहता है? क्या वाकई इस बैग में ऐसा रिमोट बटन है जो एक साथ अमेरिका के सभी न्यूक्लियर हथियारों को एक्टिव कर सकता है? बाइडेन के साथ साय की तरह चलते इस बैग को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। एक ऐसा फुटबॉल जो चंद मिनटों में अमेरिका के 6000 से भी ज्यादा एटम बम को पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए लॉन्च कर सकता है। प्रेसिडेंट बाइडेन चाहे अमेरिका में हो या फिर किसी दूसरे देश, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, न्यूक्लियर फुटबॉल का इस्तेमाल कर धरती के किसी भी हिस्से पर एटम बॉम्ब दाग सकते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियर फुटबॉल टेस्टेड भी है और ओके भी, दुनिया के किसी भी कोने में कयामत आ जाए बस एक बटन दबाने से। सुनने और देखने में जरूर ये किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगे, लेकिन ये 100% सच है। कैसे, ये देखें। ये काले रंग का जो बैग आपके टीवी स्क्रीन पर है वो देखने में तो किसी साधारण बैग जैसा ही है, लेकिन इस बैग में इतनी ताकत है कि धरती पर तबाही ला दे। यही बैग अमेरिका का वो न्यूक्लियर फुटबॉल है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ चलने वाले काले रंग के बैग की कहानी जितनी रहस्यमय है उतनी डरावनी भी। रहस्यमय इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर फुटबॉल में अमेरिका के सभी परमाणु बमों का फाइनल कमांड है, जिसके जरिए अमेरिका के प्रेसिडेंट कहीं से भी एटम बॉम्ब दाग सकते हैं। इसे डरावनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका की न्यूक्लियर फुटबॉल में वो ताकत है जो धरती के किसी भी हिस्से में हिरोशिमा में फटे परमाणु बम से 17,000 गुना ज्यादा तबाही मचा सकती है। इस बैग को न्यूक्लियर फुटबॉल क्यों कहा जाता है? ये अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड से कैसे जुड़ा हुआ है? अमेरिका को पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनाने वाले इस बैग का पूरा रहस्य आज डिकोड होगा। हजारों किलोमीटर दूर से भी अमेरिकी प्रेसिडेंट अगर अपना न्यूक्लियर फुटबॉल दबा दें तो कैसे दुनिया के सबसे विध्वंसक परमाणु बम अपने टारगेट को भेदने निकल पड़ते हैं? परमाणु हथियार को लॉन्च करने के लिए इस एटमी फुटबॉल में कोई बटन नहीं होता। इस फुटबॉल के अंदर कम्युनिकेशन टूल्स और कुछ खास तरह के कोड होते हैं जिनमें हमले की योजना का लेखा जोखा दर्ज होता है। न्यूक्लियर फुटबॉल में क्या क्या है इसे आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। इसमें एक ऐसा इमरजेंसी कम्युनिकेशन टूल होता है जिसके जरिए धरती के किसी कोने से अमेरिकी प्रेसिडेंट अपने रक्षा विभाग पेंटागन से संपर्क साध सकते हैं। एक छोटी सी ब्लैक डायरी होती है जिसमें उन दुश्मन देशों की डिटेल्स होती है जिन पर हमला किया जाना है। इसके अलावा काउंटर अटैक का पूरा प्लान होता है। इसमें अमेरिका के सभी न्यूक्लियर वॉरहेड की पक्की लोकेशन होती है, साथ ही इसका भी ब्यौरा होता है कि कहां से किस वॉरहेड से किस देश पर एटमी अटैक करना है। एक मैरून डायरी जिसमें दुश्मन के हमले से बचने के सभी संभव उपाय दर्ज होते हैं। इस डायरी में राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित शेल्टर्स के बारे में जानकारी होती है। एक कार्ड होता है जिसे बिस्किट कहा जाता है। इसी कार्ड पर न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स लिखे होते हैं। ये वो सीक्रेट ऑथेंटिफिकेशन कोड होते हैं जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट को अपने डिफेंस सेक्रेटरी को बताना होता है ताकि कोड के मिलान के बाद एटम बम छोड़ा जा सके।
न्यूक्लियर फुटबॉल के अंदर रखे सीक्रेट कोड की मदद से युद्ध को लेकर तुरंत कोई फैसला लिया जा सकता है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को परमाणु हथियारों से हमला करने का आदेश देना होगा तो वो इन्हीं कोड का इस्तेमाल करेंगे, न कि कोई बटन दबाएंगे। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास 24 घंटे रहने वाले न्यूक्लियर फुटबॉल के जरिए ही परमाणु बमों को लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल कोई फुटबॉल नहीं है जिसे हम और आप खेलते हैं, बल्कि एक टर्म है जिसका इस्तेमाल उस काले रंग के बैग के लिए किया जाता है जिससे अमेरिकी परमाणु हथियारों का पूरा सिस्टम जुड़ा होता है। इस एक ब्रीफकेस से अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह जुड़ी होती है। इसे फुटबॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ घूमते रहते हैं। इस फुटबॉल में वो कार्ड होते हैं जिन पर न्यूक्लियर लॉन्च कोड लिखे होते हैं, जिनका इस्तेमाल कर अमेरिका के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली से ही दुनिया के किसी भी देश पर परमाणु बम का हमला कर सकते हैं।